ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। जग्गा को हालात ने बुरा नहीं बनाया, मेरा ख्याल है वो तो पैदा ही बुरा हुआ था। उस जमाने में मैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में काम करता था, डिप्टी साहब के दफ्तर में एक मामूली सा मुलाजिम। उसी जमाने में शहंशाह जॉर्ज पंचम की सरकार ने जग्गा के बाप आलम सिंह को खून करने के जुर्म में मौत की सजा दी थी। वो पहला आदमी था जिसे मैंने फांसी की रस्सी पर झूलते देखा था। बरसों बाद मैं इसी जिले में सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट बन के आया। तब तक जगत सिंह नाम ही बदमाश बन चुका था। मेरे मुखबरों ने खबर की कि आजकल वो अपने बाप के ग्रोह की सरदारी हासिल करने के लिए लड़ रहा है। मेरे इंस्पेक्टर साहब ने जल्दी जल्दी लाशें जमा की और फौरन दावा कर दिया कि डाकुओं को उनके बहादुर सिपाहियों ने मारा है। ये मेरे जिले के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वहां जुर्म बहुत ज्यादा थे। मुझे पंजाब के गवर्नर की तरफ से सर्टिफिकेट और नकद इनाम मिला, चंद लाशें, वो भी डाकुओं की, और सबका फायदा। हमारी छोटी सी दुनिया में ऐसा ही होता था। मैं अपने जिले से खुश था और मेरे जिले वाले मुस्लिम, सिख, हिंदू मुझसे बहुत खुश थे।
धनुआ मिल यार प्यारे आ, धनुआ मिल यार प्यारे आ, सानू तेरे दुखाने मारे आ, सानू तेरे दुखाने मारे आ, धनुआ मिल यार प्यारे आ, धनुआ मिल यार प्यारे आ। मेरा एक अनोखा यार है, मेरा ओसे नाल प्यार समझे बड परवार आ, सानू तेरे दुखाने मारे आ, सानू तेरे दुखाने मारे आ, सानू मिल यार प्यारे आ, सानू तेरे दुखाने मारे आ, सानू तेरे दुखाने मारे आ, नूरा कौन है उठ? नहीं अबू, लगता है अनाज दी बोरियां दबिस चूहे ने। हाँ सोटी ले ले। हाँ मैं फिकर ना कर, वो दीवार तो टप गए ने। सो जा तू। अल्लाह। हट दरवाजा मादर छत। इतने कोई नहीं है, लाला जी शहर गए ने, की चाहिए थानू? सब कुछ। लाला कित्थे है? ओ गए ने। तो फिर ये मंडा भी गया? नहीं, वो उत्ते ने। तिजोरी दी चाबी कित्थे है? मैं जो कुछ सीखना सब बाहर कड्या है, और मेरे को कुछ नहीं, मैं तुझे सारा कुछ ले जाओ। कुछ नहीं आगा तेरे को ना? हाँ नहीं। कुछ नहीं आगा ना? नहीं। लालिया, तेरी तो बोल तिजोरी दी चाबी कित्थे है? मेरे को ना तिजोरी नहीं। मैंने माफ कर दो। बोल तिजोरी दी चाबी कित्थे है? माफ कर दे तेनू। मैनू माफ कर दो। मैनू मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया है। बस
सरकार का इकबाल बुलंद रहे, सरकार का घर घाट सोने चांदी से भरा रहे, सरकार के घर में पोते पोतियां खेलें। जरा झलक दिखाओ। सरकार की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। इसको तो हुजूर आप जैसे गरीब नवाजों की खिदमत के लिए ही पाला है। मैंने कहा जरा झलक दिखाओ। जी हुजूर। सरकार से सलाम कहो। चलो शुरू हो जाओ। क्या बकवास है जनाब? ये गांव आए थे और वहां भाषण देने की कोशिश कर रहे थे। कैसा भाषण? तुम जनाब, इनका कहना है कि ये सब बिहार के उन मुसलमानों की खोपड़ियां हैं जिन्हें हिंदुओं ने कत्ल कर दिया था। अब ये सब लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए थे ताकि यहां भी कत्लेआम करवा सके। ओए तुम हरामजादो, मेरे गांव में फसाद कराने आए हो? ये गन कूड़ा हटाओ यहां से। इन्हें लगाओ हथकड़ियां और फेंको सरहद के पार पाकिस्तान में। सुनो मुल्ला, मेरा जिला शांत है, न यहां किसी सिख को मुसलमान मार रहा है, न किसी मुसलमान को कोई हिंदू। अगर फिर से मेरे जिले में कदम रखा तो गोली से उड़ा दूंगा। अरे दबाओ यहां से। जनाब ये गधे का क्या करना है? काट के खा लो। बंद करो ये तमाशा, चलो दफा हो जाओ। गाओ, सरकार को खुश करो। अरे मैंने कहा ना दफा हो जाओ, चलो। लड़की को रहने दो। जगिया, ओ जगिया, आला पाला हाथ में चूड़िया तब बढ़ जाए तो बात डाकुआ दी रानी। ओ जलाए दी कुड़ी ने पवा देना साडे वालों पैर चोट। तुम ऐसा क्यों नहीं गाती? क्योंकि मैं आदमी नहीं हूं। बड़े हजर जवाब। मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती। वो तो उसने कहा है कि मैं वैसा ही करूं जैसा आप चाहें। वो तुम्हारी माँ? मेरी नानी। मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। क्या उम्र है तुम्हारी? मुझे क्या मालूम। हे भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूं? तुम घर जाओ। जैसा आप चाहे। मुझे तो रुकने के लिए कहा गया था। किसने बताया था?
वो ही जो मर्द मुझसे करवाना चाहे। मर्द? तुम ये सब मर्दों के साथ करती हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ नाचती और गाती हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता। पर मैं जानती हूँ आपको सब कुछ पता है। यहाँ पास बैठो। सोलह, सत्रह, हुजूर। अब कौन कमबख्त आया है? इंस्पेक्टर साहब। हुजूर क्या है? इंस्पेक्टर साहब, जनाब मैं माफी चाहता हूँ, आप उन खोपड़ी वाले लोगों को सरहद पार भेजने के वारंट पर दस्तखत करना ही भूल गए। वारंट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर? खबर सुनी तुमने रेडियो पर? हजारों लोगों का कत्ल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। मुसलमान सिख और हिंदुओं के कत्ल कर रहे हैं, और सिख मुसलमानों के। सब पागलपन है, और तुम मुझे जगा रहे हो इन खोपड़ी वाले बदमाशों के लिए। थैंक यू सर। चलो भाई जवानों, चलो। स्टेशन मास्टर साहब, शहर में रहने को जगह मिलेगी? शहर? आप शायद गलत जगह आ गए हैं। मेरे ख्याल से गुरुद्वारे में आप रह सकते हैं, वहां हर कोई जा सकता है। थैंक यू। चाली फीसदी सूद लेके मदद कीती सी उन्हें। की कहा तू कि किसी नू ओदे धंधे लई मार दिता जावे? ओए कमीने हो, ओदे पैदा ही इस लई होया सी कि तुहाडी मदद करे। हाय मार छड्या लाले नू। और रब दी सो मुझे नहीं मालूम जग्गा किथे है। मेरा यकीन करो, उसने कोई गलत काम नहीं किया जी। मेरा पुत्र बिल्कुल सीधे रास्ते चल रहा है जी। सवेरे सवेरे खेतों पे चला जाता है, दिन भर डंगर चलाता है जी। पिंड से बाहर तो वो पैर भी नहीं रखता जी। ए तुहानू तो रोज हाजरी देंदा है जी, दसो ना इन्हानू। जग्गे दे बाप दादा दोवें डकैत सी जी, नामी ग्रामी, पर अपने पिंड विच कदे उहना कोई हरकत नहीं कीती। ओ तैनू ते याद है बीबा, जब तक वो जिंदा सी किसी डकैत ने मनो माजर वाल कभी आख नहीं चखी। पर इस जग्गे ने ते अपने खानदान दा ना नीवा कीता है। ओ अपने पिंड वाले ने लुटना ते अपनी मां दे घर डाका मारना है। ओ नहीं ओ रब्बा, कुछ नहीं कीता उन्हें। सत्रीकाल जी। सत्रीकाल जी। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए जी, सिर्फ दो चार दिन। ये तो गुरुद्वारा है जी, गुरुआ का घर, इत्थे सब लई जगह। तुहाडा कमरा ए है? हाँ जी। रिफ्यूजी हो? नहीं जी, दिल्ली से। अच्छा, वैसे तुहाडा नाम की है जी? इकबाल। यहाँ टेलीग्राफ ऑफिस कित्थे जी? इत्थे तो नहीं है जी, अगले पिंड च डाक बाबू है, टाइपिंग भी जानदा। अच्छा जी। वैसे मनो माजरा च की काम है तुहानू? जी
इतने समा बर्बाद ना करो, इतने कोई कुछ नहीं खरीदने वाला। जी मैं कुछ बेचने नहीं आया जी, सोशल वर्कर हूँ। अच्छा अच्छा। इंस्पेक्टर मॉल खराब है, पुल्स की जरा सी ढील हुई तो गड़बड़ी करने वाले लोग उसका फायदा उठाएंगे। पिन का ख्याल रखना और कातिलों को पकड़ के ले आ। लोग जरा से बिगड़ गए, एजिटेटर्स, रिफ्यूजीज। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाओ। हुजूर, हुजूर गुस्ताखी माफ, हुजूर मेरी वो रकम, कल रात तुझे लड़की को रखा था ना हुजूर। गेट आउट ऑफ हियर, बैठा बैठा। भाई जी यहाँ कितने रिफ्यूजी हैं? ऐसे तो कोई रिफ्यूजी नहीं। तो यहाँ सिखों मुसलमानों हिंदुओं के बीच कोई एंटेगनिज्म, दंगे फसाद वगैरह? ओ साहब जी, ओ तुसी की जानना चाहते हो? मैनू नहीं पता भाई जी, मैं सोशल वर्कर हूँ, खून खराबा रोकने आया हूँ। वैसे ता इस पिंड च असी ज्यादातर सिख हाँ, कुछ मुसलमान भरा भी ने, लेकिन बेटा सब एक दूजे का ख्याल रखते ने। ऐसी वैसी कोई परेशानी? परेशानी? परेशानियां तो बहुत है, कत्ल, डकैती। आ कल रात ही देखो ना, साढ़े पिंड के शाहूकार लाला राम लाल का कत्ल हो गया। कत्ल? क्यों? मजहब का सवाल है भाई जी, मेरा यहाँ रहना ठीक होगा जी। वाह साहब जी वाह, तुसी तो कतलेआम रोकना आए सीगे, इक्को कत्ल तो घबरा गए। घबराओ ना, मनु माजरा तुसी बिल्कुल महफूज हो। हाँ जी। क्या हुआ? ते पंछी तो चुस मारे। तू तो बिल्कुल पागल है, शुदाई जट की थुंदा। जो तू मेरे नाल इश्क करती हां, मैं तेरे नाल नफरत करती हां। और मैं किथे तेरे नाल इश्क कर रहा? तू तो जादूगरनी है जिसने मैनू अपने जलफा विच गिरफ्तार कर रखा। जग्गे, तू मैनू बहुत चंगा लगता है, पर तेरे बुनो क्या पता लगू कि मैं मुसलमान नहीं हाँ? क्या मतलब? सुनिए, मतलब है कि ऐसे खुश रह सकते हैं हमेशा। क्यों जनाब, की ना है थोड़ा? जी इकबाल। किसी बाहरले इलाके चो आ रहे हो? जी बस गांव से गुजर रहा था। पाकिस्तान जा रहे हो? नहीं जी, पाकिस्तान क्यों जाऊंगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये पाकिस्तान क्या है, किसने बनाया है। आपको क्या लगता है जी, अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान का बंटवारा करके क्यों जा रही है? सानू की पता साहब, असी थे गरीब किसान हैं। आपके और सिख मजदूर किसानों के खून पसीने से ही तो ये देश बना है। इस पिंड विच सारे सिख जमींदार ने, असी तो कम ही हैं। सभी सिख जमींदार? हाँ जी, पर सानू कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, सिख ते मुसलमान परा परा। मजाक छोड़ दे जग्गे, तू ते सिख है, अब पुनु की में कहूंगी? ना मैं सिख हां, ना मुसलमान, ना हिंदू, मैं तो डाकू हां, आवारा मस्त मलंग। मैं तो आसमान दा आवारा तारा जिदा किसी रब नाल वास्ता नहीं, बस तेरा, सिर्फ तेरा।
कोई आ रहा है। पिंड विच कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़? केड़ी गड़बड़? साहूकार ने उदे कर्जदार ने मार दिता तो केड़ा आसमान टूट पया। दुनिया भी सब चलता ही रहिंदा। आ जा। टेलीग्राम बाबू, हाँ जी, हाँ जी बोलो। यहाँ से दिल्ली तार भेजी जा सकती है? अजी साहब दिल्ली क्या, जगरामा भी भेजी जा सकती है। लिखाइए। कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल। जो मर्जी लिखाइए, दुनिया जाए जानू में सानू की। टू डॉक्टर बुटालिया, जनरल सेक्रेटरी। डियर कॉमरेड, यहां मनोमाजरा में सिखों और मुसलमानों के बीच कोई दंगा फसाद नहीं। फसादों को जमींदारों और किसानों के बीच जद्दोजहद में बदलने की कोशिश का मतलब होगा सिखों और मुसलमानों में मारकाट, क्योंकि यहां आमतौर पर सिख जमींदार है और मुसलमान किसान। हमें अपनी तदबीर और तरकीब बदलनी पड़ेगी, तदबीर और तरकीब बदलनी पड़ेगी। कॉमरेड डॉस्टेवस्की, DOS डॉस्टेवस्की ना जी, लिखिए। बालसिंह जी, बिना रोटी रूटी खाई सौ गए? मैं पालक बनाई है, नाल दही भी है, ले आवा। नहीं जी ठीक है, मैंने तो जो खाना था वो खा लिया जी। हाँ हाँ, साडे गरीबां दियां रुखियां सुखियां रोटियां। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पाई जी, ओ मेरा जो खाना है वो फजूल जाता ना जी। फिर तुसी ताजा दूध पी लो, लमड़दार बनता सो ले आई रहा हूं। मैं तुहाडी चार पाई कोठे ते लाती, थल्ले हुमच है ना। अच्छा जी चंगा। अच्छा, चलदा। गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, आप, आपने मेरे सामने वारंट बनाया है जी, यू अंडरस्टैंड। अरे पुलिस वालों के दिन गए। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, साडा कोई कसूर नहीं, साडी जड़ी शिकायत करनी है मजिस्ट्रेट के सामने करना। मैं सबकी रिपोर्ट करवा दूंगा, पुलिस की भी और मैजिस्ट्रेट की भी। ओए इसमें हमारा आप कोई सुनने को परेशान करते, शर्म नहीं आती, पछताना पड़ेगा आपको। भाई जी देखो देखो, मैंने गिरफ्तार करते पाए, वजह क्या है इनको ये भी नहीं मालूम। अरे वाह भाई वाह, आप गिरफ्तार हो गए, वाह भाई वाह, इससे तो आपकी इज्जत को चार चांद लग गए। गांधी जी, नेहरू, पटेल, सबके सब लोग जेल गए थे। हाँ क्या बोल रहे हैं? टेलीग्राम बाबू, टेलीग्राम आया दीजिए। हाँ आया। आप मेरे कॉमरेड साथी को टेलीग्राम भिजवा दीजिए कि मैं गिरफ्तार हो गया और वो दिल्ली से मदद भिजवा दे। कपड़े तो पाला है? हाँ कपड़े पाला है, कपड़े पाला। चिंता ना कराए, कोई पहली बार जेल नहीं जा रही, मैं आ जाऊंगा दो चार महीने बिच। परछाई ते रखिया सी, कोई कत्ल नहीं किता।
नूरा पुत्र रौला क्यों पै रहा है? कुछ नहीं अबू, पुलिस वाले जग्गे नू ले जा रहे ने। फिर ले जा रहे ने? पता नहीं कदों अकल आएगी इस जग्गे। जग्गा जग्गा ओ छेती ले आओ इनू। अरे अपने सारे दे घर जा रहा मैं। ओ जग्गा तू फिर जेल जा रहे है? तू चल अंदर आ, तैनू ये सब देखन दी कोई लोड़ नहीं है। जी अबू। तुसी केड़े पिंड दे हो? मैं किसी पिंड का नहीं हूं जी, दिल्ली से आया हूं। किसानों को इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। लगता है सरकार को मेरा यहाँ आना पसंद है। साढ़े पिंड सब एक कहते ने, दिल्ली में महात्मा गांधी भी सरकार चल रही है, हुण तो अपना राज होएगा ना। हाँ अंग्रेज तो चले गए, पर तुम्हें आजादी से क्या मिला? रोटी मिली, कपड़ा मिला, तुम्हारे हाथों में तो वही हथकड़ियां वही बेड़ियां हैं जो जालिम अंग्रेज सरकार पहनाती। बहू जी असी तो है ही खानदानी बदमाश, साढ़े ते मत्ते ते ही जेल लिखी है, हत्थां दियां लकीरां विच जेल लिखी है। बहू जी मैं कुछ करना चाहता हूं, जब भी कुछ करने लगता सब गड़बड़ हो जाती है। ये दूसरा आदमी कौन है जिसको तुम पकड़ कर लाए हो? शहरी बाबू इंस्पेक्टर साहब, पिंड में घूमता पिया सीगा, माहौल ठीक नहीं, मैं क्या फाड़ के दिखावा तुहानू, खुश हो जाओगे तुसी? नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अपना भी कोई दिमाग है। तुमको मैंने छोटे से काम के लिए भेजा था और तुम ये बेवकूफी करके आ गए हो। भाई तुम अन्ने हो, तुमको दिखाई नहीं देता कि ये वही आदमी है जो कल गाड़ी से हमारे साथ उतरा था? गड्डी च मैं तो नहीं देखा दरोगा साहब, गड्डी च का लेनू, मैं तो पिंड च देखा घूमता पिया सीगा, मैं नवा बंदा हैगा, माहौल ठीक नहीं है, गांव च मर्डर होया, फड़ के ले आओ, शायद यही बंदा होया जिन्हें मर्डर किया। ओए खोते, तू तो कल को गवर्नर को गिरफ्तार कर लेगा, किसी जनाब ने हुक्म दिया था है? वो तो क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है? तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? जाओ अब इसको अंदर ले जाओ किसी कमरे में, साड़े की जामा तलाशी लो, मैं भी आता हूँ। इकबाल, पर इकबाल क्या भाई? इकबाल चंद, इकबाल सिंह या इकबाल मोहम्मद, तो तुम्हारी जात बात क्या है? आपको जात से क्या मतलब जी? मैं पीपल्स रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडिया का मेंबर हूं। अच्छा ठीक है, अपनी पतलून उतारो। That's bloody outrageous. भाई पुलिस की नजर में कुछ भी आउटरेजियस नहीं होता है, चलो भाई उतारो। तो तुम मुसलमान हो? नहीं, इंग्लैंड में करवाया था, इन्फेक्शन हो गई थी मुझे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई एम अ सिख, यू डोंट नो, बट कांग्रेस पार्टी वाले अवतार सिंह खैरो मेरे चाचा लग दें। अच्छा तब तो तुम ये भी कहोगे कि लाड साहब तुम्हारा सौरा है, am I right? ए क्लास इधर, सी क्लास उधर, चलो। ओ जग्गिया, ओ तू फिर आ गया वापस, ओए थाना के तेरे सौरे दा घर। आहो सौरे दा घर जनाब, ओ इंस्पेक्टर दिया कुड़िया जग्गे नाल जो। ओए बदमाशा, तू बाज नहीं आता बदमाशी से है? आने दे इंस्पेक्टर साहब को, जब उनको पता चल गया कि तू क्या बकरा था तो ए, समझा?
आप कैसे कह सकते हैं कि स्लिम लीगी है? जनाब मैंने उसको अल्पनंगा करके देखा है। तो गिरफ्तारी का वारंट सही सही बनना। नाम मोहम्मद इकबाल, वल मोहम्मद कोई भी अलाना फलाना, या फिर बाप का कोई नाम पता नहीं। मजहब मुसलमान, काम मुस्लिम लीग करिंदा। राइट सर। ओए रुको रुको रुको, काम अधूरा मत छोड़ो। रोजनामचे में दर्ज करो कि रामलाल के कातिलों का अभी तक सुराग नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। तुम कह रहे थे ना इस कत्ल में जग्गे का हाथ हो सकता है? जी जनाब, डकैत जाते जाते जग्गे के बेड़े में चूड़ियों का एक बंडल फेंक गए थे। ऐसा मालूम होता है कि जग्गे ने इस वारदात में शामिल होने से इनकार कर दिया। पर आप फिक्र ना करें, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उससे सारे नाम बुलवा लूंगा। नाम नाम बोल। तनुनी बता दे, किन्नु बता। इंस्पेक्टर साहब, उसे तो जानते हो, तुहाडे दादा लुटेरे चाचा ते तुहाडा भतीजा साडे नाल ओ अपने पिंड विच लुटमार क्यों करे? ऐसा नहीं करता साहब। अच्छा तुसी ने कीता ना, किन्ना कीता कुत्ते ने पुत्तर? सारे चूड़ियां कितने आया तेरे घर? चूड़ियां? तेरी मां ने बताया है कि कत्ल की रात ये चूड़ियां तेरे वेड़े में फेंकी गई थी। मुझे अफसोस है कि ये टूट गई हैं, नहीं तो हम तुझे पहना के तुझसे कोई मुजरा उजरा ही करा लेते। गड़ी गड़ी है? पता नहीं है अबू। गड़ियां की हो गया है? सारियां वक्त बेवक्त चल रही हैं ने। सवेर वाली मिल थी आई नहीं। मैंने फजर दी अजान देन च देर हो गई। अद्धी रात नू दो गड़ियां दी आवाज सुनी सी मैं। हाँ मैं भी सुनी सी। समझ नहीं आता की हो रहा है। अल्लाह खैर करे। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं नैन मिला के। हाय सैया बेदर दी, सैया बेदर दी। नन्ही सी जान मेरी कहाँ ना चलाओगे, नन्ही सी जान मेरी कहाँ ना चलाओगे। दिलों की ये बात कहीं भूल ना जाओगे। बेरी दुनिया से रखना बचा के। हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। ओए बस 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 बहुत हो गया। ओए मेरी जान, तुम मेरे पास रहो। ओए बढ़िया, तुम जाओ जहन्नम में।
यहाँ जिस बेचने वाले को खरीदने वालों से ज्यादा सजा होती है। तुम्हें भूख लगी है? जी। मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूं, मगर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? घर में कुछ था ही नहीं। क्यों, कभी तो इतने सारे पैसे बुढ़िया को दिए थे? पैसे की बात नहीं है, चंद्रनगर में मुसलमानों का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। ओ मुसलमान, यहाँ कैसे आए? इंस्पेक्टर साहब ने आपकी गाड़ी भेजी थी, और सरकार की गाड़ी की तरफ तो कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। सुने कुड़िये, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं जो तुम नहीं करना चाहती। अच्छा जाने दो, एक फिल्मी गाना सुनाओ। ये रातें ये मौसम ये हंसना हंसाना मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना भुलाना। ये रातें ये मौसम ये हंसना हंसाना मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना भुलाना। इसकी उम्र मेरी बेटी जितनी होगी, आज होती तो मेरी बेटी इतनी ही होती। इन्हीं हाथों से उठाई थी उसकी लाश, फूल की तरह हल्की थी, आत्मा का बोझ भी नहीं था। मैंने सोचा था मैं अपनी बच्ची को शहर शहर ले जाऊंगा, अपनी बेटी की लाश को, और दुनिया से कहूंगा रो मेरे साथ रो, मेरे रब ने मेरे साथ क्या किया है देख। फिर भी मेरी आंखें सूखी है इसलिए कि मेरे हाथ भरे हुए हैं। सरकार जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? गई, चली गई। कौन? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की लड़की। सरकार जी, आप रोइए मत, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। Yes? District Magistrate? जी हाँ, District Magistrate हुकुम चंद। लांस नायक करतार सिंह सोडी जनाब। क्या है? हम आपकी मदद के लिए आपका रेलवे स्टेशन सील कर रहे हैं। पुलिस की मदद से आपके गांव से हमें कुछ तेल, किसी भी तरह का तेल और लकड़ी चाहिए। मुश्किल काम हमारे आदमी कर लेंगे। दस बार देसी होना, नहीं तो जनानियां खुश कर रखूंगा मैं। ओए बस तू कायदे कानून का ख्याल रखिया कर, बाकी चंदन नगर तेरिया जरूरतें पूरियां करता रहेगा। बड़ा मौजा वाला दिन होगा। हां ओए तेरा दिल नहीं लगता बार, तू बार-बार थाने आ जाना है। मैं की कर रहा हूं? ओ बस तू खुश रहया कर। तू भी खुश रह। हां बाबूजी, बाबूजी
एक गल पूछा क्या तुसी ते विलायत भी गए होगे हाँ कई बार फिर तो मेमो की ली भी होगी आपने वो तो है कई बार बड़े मजे आंदे होंगे बाबूजी गोरी गोरी मेमा मखमल जैसी मेमा भूर दी परियां मेमा अपनी किस्मत पर तो काली भैंस बाबूजी बस जनानियों में कोई इस तरह का फर्क नहीं होता गोरी जनानी देखकर बदन में कोई ऐसी ज्यादा गर्मी नहीं आती शादीशुदा हो ओए जग्गे तक ही बाबूजी अपना तो घसरण वाली काम चल जाता है काफी मौज मस्ती करते होगे तुम हाँ बाबूजी अपनी एंटी फेंटी तो घसरण वाली हो जाती है जब फिरोजपुर मुकदमे के मामले में जानता ना ता वकीला दा पैसा बचा के अरे बाबूजी क्या मौज मल्ले करता जनानिया तन फट के हाय तोबा कह के रब दा वास्ता देके कहंदी है ओए जगिया वे रुक जा बस कर अपने पैसे वापस फड़ सानू बख्श दे जब तुम्हारी शादी होगी और मुकाबले की बीवी मिलेगी ना तब कान तुम पकड़ोगे और चिल्लाओगे हाय तोबा पता नहीं बरसात कब होगी सोचना होगी ये रब खैर करे
असी बुरे वक्तां चो गुजर रहे हैं। हाँ इमाम साहब, कल युग है, खराब जमाना। कौन? बंदा सिंह? चाचा मैं सबनु कुछ कहना चाहना। कह ला बरदाना। सारी संगत ध्यान नाल सुनो, अपने अपने घरों चो मिट्टी का तेल ते बालन वाली लकड़ लैके पिंडो बाहर पहुंचो। उथे हुने मिलिट्री दे दो ट्रक आने वाले ने, वो छेती करो, छेती पैसे मिलनगे पैसे। ओए लंबरदारा, तैनू हुक्म किने दिता है और कादे वास्ते? मैं ता डिप्टी साहब दा संदेशा लेके आया, ए उना दा हुक्म है, वो छेती करो, छेती जल्दी करो, जल्दी उठो। सलाम सरदार साहब। सरदार साहब सब खैर ते है? अपना काम कर, देखता नहीं मैं कितना मसरूफ हूं। चंगा काम हो गया भाई, कल कैंप से आके पैसे ले जाना। चल भाई। लंबड़दारा तू सब दसदा क्यों नहीं है? की हो रहा है? केड़ा रास छुपा रहे हैं साथों? भाई बच्चियां वाली गल ना करो, जे मैनू पता हुंदा तां थानू दसदा नहीं। लंबड़दार ठीक ही कहंदा है, अपने अपने घर चलो और कोठिया तो चल के वेखने के की हो रहा है। हजूर, वो लड़की? कौन लड़की? अरे कल रात से हम लोग एक पल भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सोया। ओ वो लड़की, सरकार जी मैं घर जाना चाहती हूँ। जाओगी, इंतजाम कर देंगे, मगर अभी नहीं। इस वक्त चंदन नगर तुम नहीं जा सकती। क्यों? अगर जनाब इजाजत दे तो मैं पैदल भी जा सकती हूँ, और अगर आप चाहें तो रात को वापस भी आ सकती हूँ। नहीं, मैं गड्डी के लिए कह दूंगा। अब्बू मैं समझ नहीं आना, तू तो एने से तो क्यों करना है? नहीं, कुछ बुरा कट रहा है, मैं अपनी अखी देखना चाहना। कुछ जल रहा है, एक ही जल रहा है। अल्लाह उन्होंने जला रहे ने। हिंदू ते सिखा दी लाशा नाल उपर कर भी की सकते ने अब्बू? और की नजर आंदा है? कुछ लोग अपनी अपनी छत्ता ते खड़े ने, और कुछ लोग दूरों अपनी अपनी गठरियां चुकी चले आ रहे ने। किड़ी तरफों आ रहे ने? उस तरफों जिन्हों हुण सरहद कहंदे ने, पाकिस्तान। ड्राइवर और गार्ड को जिंदा छोड़ दिया था उन्होंने, ताकि ट्रेन स्टेशनों से गुजर सके। इससे पहले किसने देखा था ऐसा? किसने देखा था शैतान का नंगा नाच, ये जुनून, ये पागलपन? अगर मैं कभी लौटा ना तो तुम्हारे शहरों को जलाकर भस्म कर दूंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं। मजिस्ट्रेट सर, अपने आदमियों को कहिए कि लोगों को पीछे करें, मैं नहीं चाहता कि सोल्जर सिविलियंस के साथ लड़े।
अबे दिखाई नहीं देता क्या? और चलो पीला टाओ। सरकार असी आ सकते हैं? नहीं अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये मजिस्ट्रेट साहब ने हुकमचंद साहब क्या है? मेरी कुड़ी ते मैं मतलब असी रेफ्यूजियां नु दरिया दे रास्ते आंदे देखिया सी और सारे हुण गुरुद्वारे च हैगे ने। असी मनोमाजरा च भरावां वांग रहे हां पर रहना चाहने हां। ओ किदा भरा तू? पाकिस्तान ने ट्रेन च कई सौ लोकी सी, वो सब सवा हो गए ने। लास्ट सॉरी, इस जिले का अमल अमान मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनसे बात कर रहा था। सर मैं सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर का जवाबदार हूं। अगर मेरी तीसरी गोली चलने से पहले ये लोग यहां से नहीं हटे तो मुझे गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा। मैंने सोचा था हवा का झोंका है, आया है चला जाएगा, मगर वो झोंका वो तो आंधी बन गया। मेरे जिले में ये परेशानी नहीं थी कि सिख मुसलमानों से नफरत करते थे, परेशानी ये थी कि उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी, मगर मानो माजरा में शरणार्थी आ रहे थे। पीछे पीछे आग भड़काने वाले भी आएंगे, धर्म और मजहब के जुनूनी, तब मैं क्या करूंगा? काट डालेंगे एक एक मुसलमान को, और मौतें और लाशें, मेरी नाक में से मौत की बदबू कैसे जाएगी? बेरर जी हजूर। ड्राइवर से कहो साजिंद और उस बुढ़िया को वापस ले जाए। जी अच्छा। अरे खामुखा नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? उन्हें सामने मिलना चाहते, जाओ यहाँ से। अरे कैसे नहीं मिलना चाहते? हाय खुदा सलामत रखे हुजूर। वापस जाओ। हुजूर आपकी आपकी कलम हजारों पर नहीं लाखों पर। वापस जाओ, मेरा वापस भेज दो इनको। आओ। लेट जाओ। वास्ता है बड़ी दूरों उजड़ पुजड़ के आए हैं, सानू पनाह दे दियो। आओ जरूर आओ। आओ प्रावो। आओ जी। वाहे गुरु। और जरनैल सिंह जी
आज ते बड़े मोटे मोटे मुर्गे ले आयो फड़के हैं। ओए मक्खन सिया, मुर्गा पावे मोटा होवे पावे छोटा, जदो जरनैल सिंह दा डंडा चलदा ना वड्डे वड्डे दी फूक निकल जांदी आ। ओए मल्ली वा भैया, ओए कुत्ते दे पुत्तर, तैनू नहीं छड्डूंगा मैं, मां चोत के रख दूंगा मैं तेरी। ओए जगया, मैं कुछ नहीं कीता। उच उच ना खोलो, मैं ते मनोमाजरा दे विच बड़े कोनी। झूठ बोलता है तू, मैं अपनी अखा नाल देखा तेनू कुत्ते दी औरत, तेरे सारे बल्ला नु देख लेंगा मैं, एक एक की मां चोत के रख दूंगा मैं। ए जगया, गल कटी दस तेनू, और तू की समझता है मैं तेरे को डरदा हाँ? अरे तू ते बस जुलाई दी कुड़ी नाल सोने जांदा सोने जांदा। बैठ जा कर मल्ली ओए, चुप कर कुत्ते मार चोर, चुप कर भैंस चोर, चुप कर भैंस चोर, बात चोत रहे, बात चोत रहे। To do a great right, we must do a little wrong. जी मैं कुछ समझा नहीं। Merchant of Venice, Shakespeare. स्कूल में पढ़ा नहीं? जी मैंने कभी अफसाने नहीं पढ़े। कभी कभी बड़े पुण्य कर्म के लिए छोटा पाप करना पड़ता है। लाला रामलाल के कत्ल के जुर्म में तुमने किसको पकड़ा है? जी मल्ली को। तुमने तो कहा जग्गा बदमाश। जनाब जग्गे ने हमें बताया कि ये काम मल्ली का था। जग्गा तो उस रात किसी खुफिया काम में मशगूल था। कैसा खुफिया काम? सारी दुनिया जानती है जनाब कि वो अंधे मुल्ला की बेटी के इश्क में गिरफ्तार है। मेरे दिमाग को बेकार की बातों में उलझाओ मत। ये मल्ली मुसलमान है? जी नहीं, सिख है। नहीं, फिर उसने कत्ल नहीं किया, समझे? उसे टांगे में बिठाकर गांव ले जाओ और गांव वालों के सामने रिहा करो और माफी मांगो। जनाब एक बार और मार पड़ेगी तो सब कुछ कबूल कर लेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, और फिर ये अफवाह फैला दो कि सुल्ताना और उसके मुसलमान साथी गांव में देखे गए हैं। मगर सर हमारी इत्तला के मुताबिक सुल्ताना तो पाकिस्तान चला गया है। रामलाल का कत्ल करने के बाद, और ये इकबाल, जाहिर करो कि उसका नाम है मोहम्मद इकबाल, वो मुसलमान है और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग का वर्कर, उसे टेलीग्राम उनसे आते हैं। एक टेलीग्राम तो आया हुआ है सर, ये देखिए। टेलीग्राम बाबू इसे जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पढ़ो उसे। कॉमरेड दोस्तोवस्की, सब पार्टी वर्कर से कह दो कि देश के बंटवारे की खिलाफत करें और अपने अपने इलाकों में देश की एकता के लिए रैलियां और हड़तालें करें। कॉमरेड डॉक्टर राय। टेलीग्राम बाबू से कह दो कि एक टेलीग्राम इस तरह से तैयार करें, मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तानी कमांडो दस्ते जल्दी आकर मानोमाजरा डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लेंगे। जो भी हथियार आपके पास है उनसे सब मुसलमानों को लेस कर रखो, और फिर एक असली टेलीग्राम पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स को भेजो कि वो यहाँ के मुसलमानों को हिफाजत से निकाल के ले जाए। ओह आई सी, यू सी, वो अंधा मुल्ला पहले देखेगा। चल भाई। सत श्री अकाल बाबू जी। आप तो बड़े आदमी, मैं कुछ सीखूंगा बाबू जी आपसे। इकबाल साहब इसे कुछ अकल दो ताकि ये सीधे रास्ते पे आ जाए। और बाबू जी आप तो जानते हैं कि मैं इन्हीं लोगों की वजह से और सरकार की वजह से बदमाश बना हूं, है कि नहीं बाबू जी? बाबू जी बेबे ने कुछ रोटियां भेजी, खाओगे? ये साथ वाली कोठरी में कौन आया है? मैनू नहीं पता बाबूजी, मैनू लगता है कि इन्होंने रामलाल के कातिलों को फड़ लिया है। लेकिन मैंने तो सुना था रामलाल के कत्ल के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया है। तौबा 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 तौबा।
भला मैं अपने पिंडे के बनी को क्यों मार दूं? मैंने कत्ल नहीं किया बाबूजी। नहीं, उस रात तो खुद मेरा ही कत्ल हो रहा था। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया है। कल रात तुमने कुछ नहीं खाया। क्या आप उसके लिए परेशान हैं? चंदन नगर के मुसलमानों को हटाया जा रहा है। पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा था हम रुक सकते हैं। और गाने वालों की जात हिंदू या मुसलमान नहीं होती। हमारा गाना सुनने तो सब आते हैं। फिर भी तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए, खासकर खराब माहौल को देखते हुए। मुझे किस बात का डर? हमारे तो बहुत लोगों से अच्छे तालुकात हैं, और फिर इतने बड़े रुतबेदार मजिस्ट्रेट साहब जो हैं मेरी हिफाजत के लिए। जब तक मेरे सर पर उनका हाथ है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं मैं पाकिस्तान चली जाऊं? चल खोलो ताला। चलो हाजी की गल है, तुसी तो पुराने यारा बेलिया नू बिल्कुल भूल गए हो। हुण तो तुसी साडी तरफ वेखोगे भी नहीं। चलो कोई गल नहीं आगी, पर यारा तू बहुत याद आएगा। बहुत याद आएगा। रहन दे रहन दे। अरे रुको रुको। हाँ। बड़े गुस्से ही छो प्यारे। इन्हें दुखी क्यों हो? हाँ? मैं समझया, कैसे दे इश्क विच जान निकली जा रही है। क्यों ऐसी गल है ना? नया तो नहीं भेजना किसी नु। कोई शक विशक दस ने जुलाए दी कुड़ी नू। मैनू ते लगदा है अज सरदार जगत सिंह जी बड़े उदास हैंगे। साड़ी सत्रिकाल दा जवाब भी नहीं दिता। चलो कोई गल नहीं, कोई मलाल ही नहीं हैगा। पर फिर भी असी तो इन्हां नू सत्रिकाल कवांगे कवांगे। सत्रिकाल सत्रिकाल सरदार जगत सिंह जी। सत्रिकाल सत्रिकाल भाई जी। छोड़ चंगे छोड़, सारे मार देगा तू। तू छोड़ कुतिया छोड़। ओह माय गॉड, छोड़ दे ओए सूर दे पुत्र, नहीं तो गोली मार दूंगा। छोड़ मैं तेनू छड़ूंगा नहीं। चलो उठाओ साले को, फेंको इसको अंदर। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? उसे जो जी में आए किया, आप चुप रहे, देखते रहे। He could have killed him. Did you hear what I said? He could have bloody killed him. चुप कर आई बाल पुत्रा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तो तू बीच में बोल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, दूसरी कोठरी खाली होगी होगी, आप मुझे वहां भिजवा दे। जरूर मिस्टर इकबाल, आपकी आरामदेही के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
आपके लिए कुर्सियां करसियां या बिजली का पंखा वगैरह भिजवाएं? खड़े जा, खोल दे अनु। और किसी ने सुल्ताना डाकू ने तो नहीं देखा? और सारे मुसलमान डाकू नू? ओ ताजी कदे कदे राशन पानी लेने आते ने, हुण कई दिन तो नहीं आए। और जिस दिन लाले का कतल होया उस दिन पूरा गिरोह पिंड विच सीगा। तिहार जड़े हैगे लाले दे कोल सन। पिंड दे जिन्ने बंदे हैगे जिन्होंने गिरवी रखाए सी सारे हार ओही हैगे। और देख लो हर कोई पहचानदा इन्हां नू? जे पहचानदा ते लंबरदार नू दस दो। मेरा ख्याल है तुसीं भाई मीत सिंह जी नू पुछ लो, ये सब नू पछाणदे ने। हाँ ये वाला, ये जुलाई दी घरवाली दा, उह तां मर चुकी। उन्हें गिरवी रखिया कि नहीं ये मैनू नहीं पता। ओ ता ठीक है भाई मीत सिंह, पर ओ साला मुस्लिम लीग की ना उहदा मुहम्मद इकबाल, ओ तेरे नाल ही रहिंदा ना गुरुद्वारे विच। हाँ जी, पर तुहानू गलतफहमी है, ओ मुसलमान नहीं सिख है, ओ अपना टूथपेस्ट मेरे कोल छड्ड गया। मैनू कोई गलतफहमी नहीं है, पूरा पिंड जाणदा मस्जिद जांदा सी। हो सकदा है ओ रब नू किसे होर नाम नाल पूजदा होवे। हो तो यह भी सकता है कि वह साड़ी सारी खबर तार नाल पाकिस्तान भेजता होए। क्यों बई? जे वह सिख है तो उन्हें अपने केस ते दाड़ी क्यों कटे? उन्हें सानू दसिया सी कई साल वलायत रह गया है ते वह जड़ी तार आई सी। मैं आखिर तक अपने मुसलमान भरावान लई लड़ांगा, पर हुण बाहरों ताकतां दा दबाव भी पै रहा। मैं महसूस किया असी अजिहे ज्वालामुखी ते बैठे हैं जिहड़ा कदे भी फट सकदा है। जमे और साडे पुरखे भी इत्थे रहे चाचा, पर हुण डर पैदा हो गया है। असी भरावां दी तरह रहिंदे सी, फिर की सलाह दे रहे हो चाचा? जब तक असी हाँ कहे दी भी हिम्मत नहीं कि तुहानू कोई नुकसान पहुंचाए। मेहरबानी पुत्र, पर कुछ वड्डे सियाणां नू भी बोलन दे। चाचा मेरी गल सुनो, मेरा ख्याल है जब तक पिंड दे हालात सुधर नहीं जांदे पिंड दे सारे मुसलमान भरावां नू किसी महफूज जगह ते चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, ते तुहानू भी किसी कैंप चले जाना चाहिए। तुहाडे घर ते डंगरां दी देखभाल असी करांगे। असी तू ठीक कहता लंबरदारा, रब तेरा भला करे। सबने फैसला सुन लिया? कल सवेरे कैंप जाना है। नूर आती है तू किथे है? चल चलो चलो, अल्लाह फेर करेगा। बेबे बेबे कौन है? मैं नूरा। नूरा तू ऐसले की कब पै गया? जगह वापस आ गया है कि? तेनू जगह नाल की मतलब? तेरा प्यो जानता है रात बरात लोगों के दरवाजे खड़खड़ाती है सी वैसी रन्ना दी तरह। असी जा रहे हैं कल सवेर, ते फिर तू की लग रही है साड़ी जे मिलन आई है? जा जिथे तेरा दिल करे। मैं नहीं जा सकती, जग्गे ने मेरे नाल निकाह दा कॉल किया है। निकल इत्थों, जुलाई दी धी ते जट सिख नाल ब्याह करेगी। निकल बाहर, नहीं तो दसियां तेरे प्यो नू ते नाल सारे पिंड नू। तू मर पाकिस्तान, मेरे जग्गे का खेड़ा छड़ दे। चंगा बेबे, मैं जा रही हूं। गुस्से ना हो मेरे, जब चक्का वापस आए उन्हों आखे मैं सत श्री अकाल कहना है। सर ठीक है, कह देंगी मैं उन्हें। नहीं मुंह कुछ बोल तो सही।
डॉक्टर साहब, चक्के दा बच्चा। किन्नवा महीना है? दूजा। बेबे, बेबे। सुनो, जा जाके लंबरदार बुला के लिया जल्दी। दादा जी हुणे आए। नूरा, ओ नूरा, किथे सी? वक्त हो गया है, बाकी लोग चले गए ने। चल वे खाणिया उल्हुआ, मैं तेनू नूरा लगदा हां। कौन है तू? हूं ही दसदा। अल्लाह रहम करे, मेरे को कुछ नहीं हैगा। अच्छा, आला हिंदुआ दा निशान तिलक, ये तेनू मेरे अर्गे लोकां तो बचाएगा जड़े मुसलमानां नू नफरत करदे ने। सानू जिन्नी जल्दी हो सके इतों जाना चाहिए है। तू मेरे नाल ही रह, धीए तू मैं कली ना छड़। अबू तैनू छड़ के कित्थे जावांगी? बस असी चले आ। ओए मुसलमान, इस पासे, सिख इस पासे। अच्छा सलीम भाई, बिरादरान, मैं मजबूर हूं, आप लोगों से माफी चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि आपका यह सारा सामान ले जाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। यह काफिला सड़क के रास्ते पाकिस्तान नहीं जा रहा है। पहले हम आप लोगों को चंदन नगर के रेफ्यूजी कैंप ले जाएंगे, उसके बाद ट्रेन से आपको लाहौर भेजा जाएगा। अब जो सामान आपके हाथ में है सिर्फ वही ले जाने की इजाजत है, बाकी नहीं। साहब जी, ये सारा सामान इन्हां दा है, पीछे किवें छड़ सकदे ने? हिफाजत कौन करू? बहस मत करो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर खुद देख लो, मेरे पास सिर्फ इतने ही ट्रक्स हैं। इनमें मैं इन लोगों की ये बैलगाड़ियां, ये छकड़े, ये चरखे, ये तीन टप्पर नहीं ले जा सकता। साहब जी, इस पिंड दे लोग अपनी मौज मस्ती लई मशहूर हैगे ने, जद इन्हां नूं अपनी फिक्र नहीं आएगी ते दूजे दे समान दी हिफाजत किस तरह करेंगे। पर कोई गल नहीं, तुसीं इंज करो, अपने दो चार सिपाही इत्थे छड्ड दो ताकि साडे काम विच कोई दखलंदाजी ना होवे, बाकी असीं वेख लांगे। साहब जी, बराए मेहरबानी इस दी गल दा विश्वास ना करना, इंतजाम हो गया है, आपके सामान की हिफाजत की जाएगी जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती। पर साहब जी, ये लोग तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट देता हूँ इन ट्रकों में सवार होने के लिए। जो चढ़ गया वो चला जाएगा, जो नहीं चढ़ सका वो छूट जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पंजाब दी तू लिख लिख मारे मैं अज लखा तिया रोंदिया तैनू वारस शाह लूके अज लखा तिया रोंदिया सरकार जी आपके पैरों में तो छाले पड़े हुए हैं। हसीना मेरी बीवी थी, एक बेटी थी, अभी करीब करीब तुम्हारी उम्र की होती। अब नहीं है? नहीं, तब से मैंने अपने आप को पूरी तरह काम में मसरूफ कर लिया। ये जिला, आबकारी, जुर्म, और अब कुछ लोग मुझे हजारों की तादाद में लाशें भेज रहे हैं बतौर तोहफों के। सलाम सरकार, ये सर कबूल कर ले। सरकार जी मुझे ये सब समझ में नहीं आता। पर आप एक अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं लोग कहते हैं मेरा जिस्म अब भर गया है। तुम कितनी मासूम हो, तुम जो करती हो उसके बावजूद इतनी मासूमियत। मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा मतलब नाच गाना मर्दों के लिए। मगर हसीना तुमने भले ही कितने मर्दों के साथ गलत बात की हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया होता, वो सब इस गुनाह भरी दुनिया के आगे मैं से एक जर्रे से बढ़कर नहीं होता। सरकार जी आप मेरी नानी से बात कर लीजिए और फिर आप मुझे रख लीजिए। तुम्हें रख लो? तुम्हारा मतलब है तुमसे शादी कर लो? ओह हसीना, हसीना। सरकार जी मैंने ऐसा किसी मर्द के साथ नहीं किया है और बहुत कुछ किया है, पर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हसीना तुम मेरी थकी हुई जिंदगी में आई सबसे दिल फरीब चीज हो, लेकिन आप मुझे नहीं चाहते? ठीक है, आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी मर्दों को तो बहुत पसंद है। मैं बाकी मर्दों के साथ रही अपनी मर्जी से, किसी ने मुआवजा दिया किसी ने नहीं। हसीना ऐसा मत कहो, शायद इस रात के बाद तुम किसी ऐसे नौजवान को मिलोगी जो तुम्हारे इंतजार में है, सिर्फ तुम्हारे। पाकिस्तान में एक रिफ्यूजी की बीवी बनकर रहने में मुश्किलें हैं, मगर एक मैजिस्ट्रेट के रखेल बनकर रहने से कई बेहतर है। तो फिर आप मुझे मेरी नानी के पास भिजवा दीजिए। वो लाख बुरी सही, पर मेरे लिए तो वही सब कुछ है, सब कुछ। शायद तुम ठीक कह रही हो। बहरा, ड्राइवर से कहो कि हसीना बेगम को चंदन नगर वापस छोड़ा है।
हसीना, हसीना रख लो, काम आएंगे। लंबरदारा, ओए लंबरदारा, की गल करने लिया? रोटी बाद चु खाई उथे चल, देख दरिया ते की होया। ऐदा लगता है जिवें हड़ दे पानी ने किसी पिंड नूं पूरी तरह रोड़ दिता होवे। सुनिया तुसी? ओए गड्डी दी तां लाइट भी बंद है, गड्डी ने सीटी भी नहीं दित्ती, भूत वांग जापदी है। ओए रब दा वास्ता है, एवें ना कहो, हो सकदा है माल गड्डी होवे। हमेशा तो सिखा दा ही सी, पहला कुछ मुसलमान भरा भी सन, पर हुन ता सब चले गए। कैसे सिखो तुम ओए, कुछ पता भी है कितनी गाड़ियां आ चुकी ने? ओ तुहाडियां तियां पैणा दियां इज्जतां लुट रहे ने, ते तुसी इत्थे गाने गा रहे हो? शाबाश बहादुरो, शाबाश। पर असी कर भी की सकदे सरदार जी? अब ध्यान से सुनो मेरी बात,
अगर वो हमारा एक आदमी मारते हैं तो हम उनके दो मारेंगे। एक औरत को अगवा करके जबर जिना करते हैं तो हम दो को करेंगे। वो एक घर को लूटते हैं तो हम दो घर लूटेंगे। बेकसूर नु मारन च केड़ी बहादुरी है? ओए बेकसूर कौन है? ओ हिंदू सिखां दे बच्चे जिन्हां नु उहनां दे मां-प्यो दे अक्खां दे सामने छल्ली कर दित्ता गया, की ओ बेकसूर नहीं? ये लड़ाई है लड़ाई भाई जी, जिरा करन दा मजबूर नहीं। खैर इस बुड्ढे नु छड्डो, तुहाडे चो है कोई जो सिक्खी लई लड़े, गुरु गोबिंद सिंह लई लड़े, जिन्हां ते इहनां कायर मुसलमानां ने सुत्ते ते हमला कर दित्ता सी? पर हुण असीं की करीए सरदार जी? अगर जिगरा है तो सुनो, कल रात मुसलमानों से भरी एक गाड़ी पुल पार करके पाकिस्तान जाएगी। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो उनका भी वही हशर होना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ किया था। पर एक गड्डी तो चंदनगर तो आएगी। मेरे वालों पावे दो सख चो भी आवे, मैं उत्थे ही वापस भेज दवांगा। मैं ते मेरे साथी उत्थे ही होवांगे। है कोई दिलेर बहादुर सिख? साडी जान तुहाडे लई हाजिर है। और कदो चलना है? साढ़े सारे आदमी तोड़े नाल चलेंगे। हाय शाबाशे, कम से कम एक बंदा तो है इन्हें डरपोका जी। हुक्म करो कदो चलना है? कोई और? मैं भी तैयार हूँ चलने। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगा। सोनिहाल ठीक है इंस्पेक्टर साहब, करने दो कत्ल, सबको कत्ल करने दो। क्या करूंगा मैं, दुनिया पागल हुई है, होने दो पागल। कब सुना तुमने ये सब? कल देर रात को लंबरदार और गांव का एक आदमी पुलिस स्टेशन आए थे इत्तला करने के लिए। कल हम लोग तो पूरा दिन चंदनगर से सारे मुसलमानों को हटाने में मसरूफ रहे। सारे मुसलमान? जी सारे मुसलमानों को, यहां तक के? जी जनाब। मुझे उम्मीद है वो सब वापस आ जाएंगे जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये हमेशा चलने वाला नहीं है। एक हफ्ते के अंदर वो सब चंदनगर वापस आएंगे, सिख और मुस्लिम फिर से एक कुएं का पानी पिएंगे। शायद आप ठीक कहते हैं जनाब, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। आज रात की गाड़ी से चंदनगर के रिफ्यूजी पाकिस्तान जा रहे हैं, उन्हीं पर हमला करने का इरादा बना रहे हैं मनुमाजरा में। तुम कैंप के कमांडर साहब को आगाह क्यों नहीं कर देते? हो सकता है आज रात जाने का फैसला वो रद्द कर दे। हुजूर आला, हथियारबंद भीड़ के जत्थे उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। अगर आज रिफ्यूजी यहां से नहीं गए तो सारे कैंप को तहस नहस कर दिया जाएगा। मेरे पास सिर्फ 50 हथियारबंद सिपाही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से एक भी किसी सिख पर गोली नहीं चलाएगा। इंस्पेक्टर जी, वो लोग अभी तक हिरासत में हैं? कौन लोग सर? वो साहूकार के केस में जिनको गिरफ्तार किया है जी, वो जगह बदमाश और मोहम्मद इकबाल। ओए नहीं नहीं नहीं, वो सिख है, कड़ा पहनता है, इकबाल सिंह। मगर उस दिन तो आपने कहा था कि वो मुसलमान है। नहीं है, छोड़ दो उसे। और वो जगत सिंह, तुम उसे जग्गा बदमाश कहते हो? यस सर। वो उस अंधे जुलाए के लड़के से इश्क करता है नूरा? हाँ, उसे छोड़ दो। दोनों को रिहा कर दो, टांगे में बिठा कर गांव भेज दो। मुसलमान दफन कीता ते दूसरे दा किरया करम, ओ दरिया दे पानी दे विच लाशा ही लाशा। मुसलमान नु फड़ के लै गए उन्हां दी तां पैर चोत। और की सुनना चाहना सरदार? कल देखना था क्या हुआ था चंदन नगर में। अगर हमने 5 मिनट भी देर लगा दी होती मुसलमानों को निकालने में तो एक भी बचता नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है भाई, पीड़ ही पीड़ लगी हुई थी मारने वालों की। हाँ जगिया, मेरा पुत्र वापस आ गया। जी आया नू मेरे पुत्र, जी आया नू। ओ किथे है? कौन? तू जानती है कौन? तेरे को लाई सी हो? नहीं? बोल किथे है वो?
सारे मुसलमान कैंप जाना सी ते मैं उन्हें आख्या जगह तेन ले आएगा वापस जदों आएगा। ए तू की किता बेबे पना लैन आई सी ओ। मैं की करती चार चफेरे फौजां सन सफाई सन जो उथे रह जांदी ना जाता कतल कर दिती जांदी जां उत्तों भी माड़ा कम। मल्ली तो उहदे बदमाश। मल्ली उहदे बदमाश की? ओह मैनू नहीं पता मुसलमाना दे घरां नूं लुट दे ते साड़ दे रहे ने ते हुण सुणिया कुछ दूजे लोकां नाल रल गए ने। मैं तां इह वी सुणिया अज पाकिस्तान जाण वाली किसी गड्डी ते वी हमला करनगे। वे जग्गिया वे किते चलिया वे मोड़ा वापस। कोई गल है जो तुहानूं पता है दसो की गल है? वो लोग पुल दे पहले हिस्से दे दोनों सिरां ते मोटा रस्सा बनणगे जद गड्डी रस्से दे हेठ दी गुजरेगी तां छत ते बैठे लोग रस्से नाल टकरा के थले गिर जाणगे। 300, 400 या शायद और भी ज्यादा खिड़कियां ते बंदूकां नाल गोलियां चलाईयां जाणगी। जे उन्हां गड्डी रोकती तां फिर तां होर भी लोग मारे जाणगे। कौन है जग्या तू? तू की कर रहे इस वेले थे? सत श्रीकाल भाई जी। गुरु दा वाक मांगदा कनेगा मेरे लिए। रात हो गई है गुरु ग्रंथ साहब सुखासन हो चुके ने नाले तू क्यों मांगदा वाक? कोई फर्क नहीं पैंदा गुरु दी बाणी सुना दे मैनू बहुती नहीं थोड़ी जी छेती कर। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सुहन पंच प्रवान नदरी कर्म पवे निशान कच्च पकाए उथे पाए नानक जपिंदा। बाबू जी सत श्री अकाल। बाबू जी जगिया नहीं बाबू जी की तबीयत खराब है नींद की दवाई लेके सुते हुए ने। ठीक है मेरे वालों सत श्रीकाल कह देना। कह देंगा तकदीर बड़ी धोखेबाज है पहले बुरे पत्ते बांटती है और जब सब कुछ हार जाते हैं तो अच्छे पत्ते देती है। वो अपने शरणार्थी के पास नहीं जाएगी उसे नई जिंदगी नहीं चाहिए सीधी जहन्नुम में जाएगी नरक की आग में जलेगी। मुझे उसको रोक लेना चाहिए था पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पर बिठाने से तो अच्छा ही होता मगर मैं यहां बैठा हूं विस्की पी रहा हूं क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूं जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी के लिए कुछ नहीं करते मगर तारीख उनको छोड़ती नहीं है ढूंढ के निकाल लेती है। एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। Thank you.
आवाज नहीं सुनाई देगी। ओए पीछे हटो बेवकूफा। ओए कौन है आदमी ते उत्ते की कर रहे हैं? सरदार जी मेरे को लगता है साढ़े आदमी हैगा रसा ठीक कर रहा है। ओए थल्ले आ बेवकूफा नहीं तो मारा जाएगा। ओए की कर रहे हो? ओए अपनी अपनी
जान न जान वे मेरे आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे सारा जहान वे मेरे आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे मेरे आवड़ मेरे लोका पाने चाक महीदा रांझा ता लोका विच कहीदा साडा ता दीनी मान वे मेरे